आज की इस वीडियो में गाइस जानोगे कि वीडियो में ऑटो कैप्शन कैसे लगाया। जैसे कि वीडियो में देख सकते हो मेरा ऑटो कैप्शन लगा हुआ है और मैंने बिना मेहनत से ऑटो कैप्शन लगाया वीडियो में, बिना मेहनत से गाइस। अरे हाँ भाई हाँ, सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा ऐप का, बिल्कुल फ्री। आज का वीडियो में जानोगे कि ऐसे एप्लीकेशन के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या सब लोग आशा करते बढ़ेंगे, आगे भी बढ़े रहना। तो आज की इस वीडियो में जानोगे वीडियो में ऑटो कैप्शन कैसे लगाए। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिना किसी देरी के साथ में। चलो गाइस, फाइनली मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आने के बाद प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च कर लेना है ब्लिंक, ये वाला मैंने सर्च कर लिया पहले ही। ब्लिंक ऐप सर्च करने के बाद आपका एप्लीकेशन सामने ये वाला है, ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था तो मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस मैं इस तो करने के बाद, अगर आप नया इंस्टॉल किया तो इस इधर गूगल के गूगल में ऐड करने के लिए बोलेगा। अब स्किप करके इधर आ जाना है, बाद में न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके अंदर घुस जाना है। न्यू प्रोजेक्ट इधर देखो, ऑटो कैप्शन, ऑटो कैप्शन में क्लिक करना। करने के बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा जहाँ से आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो। तो मैं ये वाला वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो जिस जो वाला वीडियो अपलोड करना चाहते हो सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने में थोड़ी देर वेट करो। आज इस वीडियो में गाइस जानोगे कि वीडियो में ऑटो कैप्शन ये वाला, बाद में इधर आप देखोगे कि जनरेट कैप्शन, इधर आप जाके लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया, बहुत मतलब सब। मैं इंग्लिश में ही लेना चाहूँगा और भी हिंदी, हिंदी बहुत सारे हैं। बस लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जनरेट कैप्शन सिंपली क्लिक कर देना है, बाद में प्रोसेसिंग तक वेट कर लेना है। सो गाइस फाइनली हो गया, ना तक वेट कर लेना है। आज की इस वीडियो में गाइस जानोगे कि वीडियो में ऑटो कैप्शन कैसे लगा। जैसे कि वीडियो में देख सकते हो मेरा ऑटो कैप्शन लगा हुआ है, जैसे कि इस वीडियो में मेरा कैप्शन लग गया है फ्रीली, मैंने बिना मेहनत से कैप्शन लगा लिया। बाद में अगर आपका वीडियो में कोई मिस्टेक आया है कि मैंने आज की इस वीडियो में बोला था कि आज की इस वीडियो में हो गया, तो मैं एडिट करूँगा। जाके इधर सर्च लेना है एडिट टेक्स्ट में क्लिक करो। आज की मैं इधर एडिट करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में गाइस। तो आज की किस नहीं, आज की होगा। हाँ, ऐसे वीडियो में अगर मतलब मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के बाद इधर राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद वीडियो को मतलब कैप्शन कहाँ अच्छे से सेट कर लेना है। और अगर आप मतलब एडिट करना चाहते हो कि मैं एडिट करके स्टाइल, अगर आप स्टाइल देना चाहते हो जैसे कि नॉर्मल रखना चाहते हो रख सकते हो। और मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो दो तीन लाइन के बाद मतलब जहाँ मैं ग्रीन चाहता हूँ वहाँ पे ग्रीन होगा। फॉन्ट अगर आप रखना चाहते हो, मैं ये वाला रख लेता हूँ। फॉन्ट स्टाइल आप मतलब कौन सा एंगल में रखना चाहते हो रख सकते हो। एनिमेटेड हाईलाइट, मतलब हाईलाइट का मतलब जहाँ पे देखो कि आज मैंने आज पे लगाया ग्रीन, वीडियोस पे लगाया ग्रीन, आज में येलो होगा कि में वाइट रहेगा वीडियो। गाइस मतलब जानो कैप्शन में ना, मैं जिसमें क्लिक करूँगा उसमें ग्रीन कलर ही लगने वाला है। तो मैं ऐसे टाइप कर लेता हूँ, जिसमें लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो ग्रीन वाला, अच्छा होगा दिखने में। करने के बाद देख सकते हो कि पूरा तैयार हो चुका है। आज की इस वीडियो में गाइस जानोगे कि वीडियो में ऑटो कैप्शन कैसे लगा। जैसे कि तो बाद में वीडियो में देख सकते हो मेरा ऑटो कैप्शन लगा हुआ है और मैंने आई होप गाइस वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जाके आप फ्री जनरेट कर सकते हो। जाओ और ट्राई करो। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।